नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश का नरहत्ता प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? भोपाल में। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ है? भोपाल में। स्वान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? भदभदा, भोपाल में, भदभदा में। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? भोपाल में। अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भोपाल में, याद रखिए। आपदा प्रबंधन संस्थान देश का पहला कहाँ है? भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ है? भोपाल जिले में। राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ है? भोपाल में। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट कहाँ है? एंड ट्रेनिंग, तो ये भोपाल जिले में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? भोपाल में, MP। राज्य शिक्षण संस्थान भोपाल में। उप पुलिस अधीक्षक DSP ट्रेनिंग सेंटर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित कहाँ है? ये भोपाल में। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ है? भोपाल में। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल ऑफ परफॉर्मेंस किप्स कहाँ है? भोपाल में। IT इनवेल्ड सर्विसेज प्रशिक्षण केंद्र, ये भी भोपाल में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी भोपाल में है। राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, ये भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी, ये भी भोपाल जिले में, भोपाल में। आगे बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? ग्वालियर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कहाँ है? ग्वालियर में। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ग्वालियर में। एडवोकेट कंटिन्यू लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ है? ग्वालियर में। भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। BR अंबेडकर दूर संचार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान कहाँ है? संस्थान जबलपुर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। रेडीमेड गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर कहाँ है? जबलपुर में। नव आरक्षक प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान, ये भी जबलपुर में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? ये भी जबलपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूँ अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में। आगे बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान महू इंदौर में है। लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान, ये इंदौर में है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में है। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये भी इंदौर में है। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, ये इंदौर में है। वानिकी अनुसंधान छिंदवाड़ा में है। मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में। संजय गांधी युवा नेतृत्व
एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पचमढ़ी में। कपास अनुसंधान केंद्र ये खरगोन में है। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान ये रीवा जिले में है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान ये सागर में है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये सागर में है। थल सेना शिक्षण शैक्षिक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र पचमढ़ी में है। भूग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र ये गुना में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र ये रतलाम में है। मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पनवार खेड़ा में। तुलसी शोध संस्थान कहाँ है? चित्रकूट में। अब बात करते हैं हम लोग प्रमुख संगठनों के बारे में, कौन से प्रमुख संगठन संस्थान के कार्यालय या मुख्यालय? तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य का सचिवालय कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य का संचालनालय कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय ये भी भोपाल में। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय भोपाल जिले में, भोपाल में। इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल में। मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम ये भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ये भी भोपाल में है, इसका मुख्यालय। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल में है। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग मंडल इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल में है इसका मुख्यालय। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इसका भी मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल में इसका मुख्यालय। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय ये वो भोपाल में इसका मुख्यालय। मध्य प्रदेश निर्यात निगम भोपाल में है इसका मुख्यालय। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम इसका मुख्यालय भोपाल में। मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास बोर्ड भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक इसका भी मुख्यालय भोपाल में। वित्त एवं विकास निगम भोपाल में। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुपालन संवर्धन बोर्ड ये भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम ये भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश चरम विकास निगम ये भोपाल में है। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय गोरागांव भोपाल में है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग ये भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल में है। ध्रुपद संगीत अकादमी ये भी भोपाल में है। प्रशासनिक अकादमी भोपाल में। माटी बोर्ड माटी कला बोर्ड ये भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल में। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ये भी भोपाल में। मध्य प्रदेश उपभोक्ता आयोग भोपाल में। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ये भी भोपाल में इसका मुख्यालय। उद्यमिता विकास ये भी भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य बीज फार्म विकास लिमिटेड केंद्र ये भी भोपाल में। मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंत्रालय मंडल भोपाल में। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल में। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में। व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का मुख्यालय भोपाल में। रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग PSC का MPPSC का मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम ये भी इंदौर में है। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम ये भी इंदौर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ खंडपीठ कहाँ है? इंदौर और ग्वालियर में।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन ये जबलपुर में इसका मुख्यालय। जवाहर नेहरू पुलिस अकादमी ये सागर जिले में है, सागर में। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में पिथम, मध्य प्रदेश में पिथम और एकमात, ठीक। तो बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल थे। प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया थे। प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे। प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला गेवाल। मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव एच एस कामत। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम विपक्ष का नेता विष्णुनाथ तामस्कर। प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी। प्रथम पुलिस महानिदेशक वी पी दुबे। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बी जी घाटे। प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच। प्रथम महाधिवक्ता तो ये थे श्री एम अधिकारी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो ये शीतला सहाय। प्रथम निर्वाचन आयुक्त एन बी लोहानी। प्रथम लोकायुक्त पी वी दीक्षित। प्रथम सूचना आयुक्त टी एन श्रीवास्तव। प्रथम योजना मंडल के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र शेट्टी। राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र शेट्टी और उपाध्यक्ष थे डॉक्टर दयाशंकर नाग। प्रथम आईपीएस कुमारी आशा गोपाल। प्रथम आईएएस निर्मला बुच। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डीबी रेड्डी। प्रथम विधानसभा में विपक्ष की महिला नेता जमुना देवी। प्रथम आदिवासी राज्यपाल तो ये थे उर्मिला सिंह हिमाचल प्रदेश की। अब बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश में प्रथम व एकमात्र। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बजट वित्त मंत्री मिस्त्री लाल गंगवाल ने 10 जनवरी 1957 को प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के सर्वप्रथम सत्र के समय विधानसभा के सचिव थे श्री खांडेराव केशवराव रणगोले। मध्य प्रदेश गुना जिले में प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र इंदौर में खुलेगा। मध्य प्रदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में स्थापित है। बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय। प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूँ अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर में है। प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र कहाँ है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले का पहला सेल्फ ग्राम है। मध्य प्रदेश एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क केंद्र देवास में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल नव जीवन शिविर के नाम से गुना के मुगावली में खोली गई अशोकनगर, ठीक। ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में एकमात्र कुंभ सिंहस्थ का मेला उज्जैन में आयोजित होता है। उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे है। प्रति 12 वर्ष में एक बार होता है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में स्थापित किया गया।
मध्य प्रदेश का खंडवा जिला राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1955, टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में कान्या किसनी है। प्रदेश की प्रथम झींगा हैचरी बालाघाट जिले में स्थापित की गई। प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित हुआ। राज्य का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था। मध्य प्रदेश का हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र मालवा अखबार है। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में है। प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु वारहसिंगा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई थी। मध्य प्रदेश में एकमात्र हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में प्रदेश का प्रथम साग सब्जी विक्रिया केंद्र स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। प्रदेश की एकमात्र बैंक नोट फेस कहाँ है, फ्रेश देवास में है। प्रदेश की ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली एकमात्र वैद्यशाला इंदौर जिले में है, इंदौर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में है। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में स्थापित है। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर कौन है, शिवपुरी। मध्य प्रदेश झाबुआ जिला एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला है। प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट 2007-08 में प्रस्तुत किया गया। छब्बीस जनवरी 2006 को मध्य प्रदेश का प्रथम डीएनए प्रयोगशाला सागर में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य का पहला संजीवनी आयुर्वेद केंद्र विक्रम केंद्र खोल विक्रय केंद्र स्थापित है। प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक पर्यटक नगरी पचमढ़ी के पास पानी क्षेत्र में स्थापित है। मध्य प्रदेश जबलपुर में प्रदेश का पहला वेलोड्रम स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत 2003 में की गई। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, मंदसौर। रीवा प्रदेश एकमात्र जिला है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं। घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोनेजिकल लैब महू में है। प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म धार जिले के खेड़ा गांव की पहाड़ियों पर स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद में है। प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदीगृह नरसिंहपुर में है। प्रदेश का एकमात्र सैनिक अड्डा महाराजपुर मुरार ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव मंडला जिले में है। प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। प्रदेश की प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना इंदौर में की गई। प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय 1946 में ग्वालियर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। प्रदेश का प्रथम महिला थाना भोपाल में स्थापित किया गया। प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है।
प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह भांडे दतिया में है। प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना भोपाल में है। प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल के नाम से इंदौर से प्रकाशित होती है। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रदेश का पहला अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल इंदौर में बनेगा। प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर इंदौर में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रथम चलित एटीएम सेवा इंदौर में प्रारंभ की गई। प्रदेश में स्कूल सेवा विभाग का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज शिवपुरी में खुलेगा। आगे बात करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा एकमात्र केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी योजना धन का पूरा उपयोग करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। किसानों को समर्थित मूल्य पर बोनस देने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रथम है मध्य प्रदेश। देश का पहला राज्य जिसमें पर्यटन में वायु टैक्सी सेवा शुरू की मध्य प्रदेश है। दुनिया की पहली भीली भाषा की फिल्म फैसला की संपूर्ण शूटिंग मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में ISO 9001 2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्य को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य है। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज 4 जनवरी 2012 से भोपाल में शुरू हुआ। किसानों के बैंक खातों में अनुदान बोनस तथा अन्य राहत राशि सीधे जमा कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला देश का ऐसा पहला जिला है जहां सिर्फ बेटियां वाले माता पिता को घरेलू कामकाज में लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा टाइगर रिजर्व देश का पहला पर्यटन स्थल है जहाँ 13 बेगा महिलाएं गाइड का प्रशिक्षण लेने के बाद सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। आगे देखते हैं, जबलपुर जिले की परियट नदी के तट पर ग्राम पिपरिया परियट में निजी क्षेत्र द्वारा राज्य शासन के मार्गदर्शन में देश के पहले बायोगैस बिजली संयंत्र की स्थापना की गई। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के रांची रायसेन में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम पारित कर लागू किया। देश का पहला सोलर पार्क मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थापित किया होगा। अधिवक्ताओं को सतत शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने वाला देश का प्रथम एडवोकेट्स कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले देश का प्रथम राज्य है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। आगे बात करते हैं, ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। देश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। देश में जिला सरकार स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। देश का प्रथम मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल में मध्य प्रदेश में है। जो देश का एकमात्र मानव संग्रहालय भोपाल में जो मध्य प्रदेश में है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में मध्य प्रदेश में ही है। आगे बात करते हैं, भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडदीप रायसेन में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के गेरू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। देश का सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़े तेंदुपत्ते व बीड़ी निर्माता राज्य है। एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित है। ठीक है,
देश ही नहीं एशिया का भी प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में गजेटियर विकसित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। मानवाधिकार आयोग गठित करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। जिला स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं, देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थापित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया। देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थापित है। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में है। देश में सर्वाधिक पवन चक्कियां मध्य प्रदेश में हैं। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य है। प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियाँ प्रभावित होती हैं, इसीलिए नदियों का मायका भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को। देश की एकमात्र चाय अकादमी भोपाल में है, जो मध्य प्रदेश में। देश का पहला पुरातत्व पार्क मध्य प्रदेश के दमोह जिले में संग्रामपुर में बनाया गया, जो मध्य प्रदेश में ही है। ग्राम सभा को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। देश का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज प्रदेश के शिवपुरी जिले में अयोलपाटा में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला सिंकोटोन विकिरण स्रोत इंडस एक प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश का लाख उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है। भारत की पहली बड़ी मस्जिद बैठक की क्षमता से ताजुल मस्जिद भोपाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देश का पहला नेशनल सेलिंग स्कूल प्रारंभ किया गया। आगे बात करते हैं, देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय देश का पहला ऐसा एसपी कार्यालय है जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का कसई गांव गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली से विकसित होने वाला देश का पहला गांव है। याद रखिए बैतूल का कसई गांव। भारत की का पहली रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थापित है। साथ ही ओरछा में देश का पहला रामायण म्यूजियम है। याद रखना, ये पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, अब निवाड़ी जिले में आता है। सरकारी खरीद में आरक्षण लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित विद्युत मंडल देश का पहला विद्युत मंडल है। भोपाल एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली देश की पहली ट्रेन है जिसे 2003 में आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भेल द्वारा भोपाल में संचालित जवाहरलाल नेहरू स्कूल आईएसओ 9001-2000 प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला स्कूल है। याद रखना, आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2006 में देश की पहली साइबर ट्रेजरी का प्रारंभ हुआ। अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। वर्ष 1995 में देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया गया। मध्य प्रदेश में पुरुष नसबंदी के मामले में देश में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है
जिसने प्रत्येक जिले में उद्योग केंद्र स्थापित किए। प्रदेश के जबलपुर जिले में ने देश का पहला ऐसा जिला बनने का गौरव हासिल किया जहां महत्वाकांक्षी समाधान एक दिन योजना लागू की गई। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने सभी गांवों को ग्राम संपर्क नामक वेबसाइट से जोड़ने में सफलता प्राप्त की। भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के सागर जिले में ईरड़ अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं, देश का पहला शिव संग्रहालय राजधानी भोपाल के निकट स्थित भोजपुर में स्थापित है। देश का पहला सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग मध्य प्रदेश में 2008 में गठित किया गया। देश का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। देश का एकमात्र हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, अधिकतम और अधिक और कम। तो बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ पहाड़ी पर पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान नर्मदा सोन घाटी है। सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है जो 1312 किलोमीटर है। प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर है। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है। प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH76 है। प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंजवासोदा है। प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल पचमढ़ी है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भिंड है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल है, मंडला में है। प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इटारसी है मध्य प्रदेश में। प्रदेश का सबसे बड़ा गणपति प्रतिमा इंदौर में जो बड़ा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में। सबसे बड़ा भौतिक विभाग मालवा का पठार है। सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर क्षेत्र में है। सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर का है। प्रदेश का मालवा क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र दैनिक भास्कर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषित जिला शिवपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला भोपाल है। प्रदेश का सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला भोपाल है। यहाँ की आबादी है 854 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक विरल आबादी वाला जिला डिंडोरी है, 94 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग इंदौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला दतिया है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग होशंगाबाद है। प्रदेश के पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील सबसे छोटी तहसील है और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि में प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इंदौर है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला अनूपपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला हरदा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील रौन है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा है। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, 1021 लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है, 838। चंबल संभाग प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर है। सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा है।
सबसे छोटा वन प्रेत शाजापुर है। सर्वाधिक वृक्ष यहाँ सागौन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन्य पशु है चीतल। सबसे कम सिंचाई वाला जिला है डिंडोरी। सबसे बड़ी जनजाति है भील। सर्वाधिक सिनेमाघर वाला शहर है इंदौर। आपको बता दें 2018 में जो निवाड़ी जिला बना है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है। तो अभी 2021 की जनगणना के बाद आंकड़े आ जाएंगे, उसमें सबसे छोटा जिला यही होगा निवाड़ी। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के नगर व राजधानी नाम, तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इंदौर को व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर को ही खेल राजधानी भी बोला जाता है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी, जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी, पचमढ़ी को पर्यटन राजधानी, बालाघाट को मैगनीज राजधानी, मेहर को संगीत राजधानी, पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो याद रखिए भोपाल को क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश की राजधानी है ही ये। तो इंदौर है व्यावसायिक राजधानी, इंदौर खेल राजधानी भी बोलते हैं, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी, जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी, पचमढ़ी को पर्यटक राजधानी पर्यटन राजधानी, बालाघाट को मैगनीज राजधानी, मेहर को संगीत राजधानी और पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश द्वारा घोषित विभिन्न दिवस व वर्ष। राज्य की स्थापना 1 नवंबर को हुई। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर, बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर, महुआ वर्ष 2011, ट्रैफिक वर्ष 2011, लोक सेवा दिवस 25 सितंबर, महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून, जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई, महुआ दिवस 11 जुलाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख शासकीय कार्यालय मध्य प्रदेश। तो मेंटो हॉल राज्य का पुराना विधानसभा भवन है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन राज्य का नवीन विधानसभा भवन है। बल्लभ भवन राज्य का सचिवालय है। सतपड़ा भवन राज्य का संचालनालय है। शक्ति भवन राज्य विद्युत मंडल है। ऊर्जा भवन मध्य प्रदेश नियामक आयोग है। पर्यावास भवन राज्य मानवाधिकार आयोग है। पुस्तक भवन मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम है। निर्वाचन भवन राज्य निर्वाचन भवन है। श्यामला हिल्स मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर स्थल के उपनाम। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम, तो ये स्थान हो गए और इनके उपनाम हो गए। तो जबलपुर को संगमरमर नगरी कहते हैं, भेड़ाघाट को संगमरमर की चट्टान कहते हैं, भिंड मुरैना को बागियों का गढ़, उज्जैन को मंदिर एवं मूर्तियों का नगर, उज्जैन को ही महाकाल की नगरी कहते हैं, खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं, भीमबेटका को शैलचित्र कला कहते हैं, सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहते हैं, इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहते हैं, कटनी को चूना नगरी कहते हैं, मांडू को आनंद नगरी कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय, मालवा को गेहूं का भंडार कहते हैं, ग्वालियर को तानसेन नगरी कहते हैं, मेहर को संगीत नगरी कहते हैं। भोपाल को झीलों की नगरी कहते हैं, पचमढ़ी को पर्यटकों की स्वर्ग कहते हैं, पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहते हैं, उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहते हैं, उज्जैन को पवित्र नगरी भी कहते हैं, इंदौर को अहिल्या नगरी कहते हैं, ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं, खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहते हैं, मालवा की गंगा छिप्रा नदी को कहते हैं, सफ़ेद शेर की भूमि रेवा को कहते हैं, इंदौर को कपड़ों का शहर कहते हैं, मांडू महलों की नगरी है,
धार भोज नगरी है, शिवपुरी पर्यटक नगरी है और ग्वालियर किलों का रतन है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर, मध्य प्रदेश के नगर स्थलों की प्रसिद्धि के कारण। तो भोपाल राजधानी क्षेत्र होने के कारण व झीलें होने के कारण, इंदौर उद्योग नगरी मिनी मुंबई के कारण, खजुराहो कलात्मक मंदिरों के कारण, पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन होने के कारण, मलाजखंड तांबे की खदानें होने के कारण प्रसिद्ध है, पन्ना हीरे की खदानें होने के कारण, सांची बौद्ध स्तूपों के कारण, मंदसौर अफीर उत्पादन के कारण, इटारसी रेलवे जंक्शन होने के कारण, बड़ा नेपानगर कागज मिल, भीमबेटका प्राचीन शैल चित्र होने के कारण, रीवा सफ़ेद शेरों के कारण, सिंगरौली सबसे मोटी कोयला खान होने के कारण प्रसिद्ध है, भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टाने होने के कारण प्रसिद्ध है, अमलाई पेपर मिल के कारण प्रसिद्ध है। खंडवा सिंगा जी का मेला लगते हैं इसलिए प्रसिद्ध है, उज्जैन कुंभ का मेला लगता है, महाकाल का मंदिर भी है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, देवास बैंकनोट चामुंडा माता का मंदिर है, धार बाघ की गुफाएं हैं, वावन गजा आदिनाथ की विशाल मूर्ति है, चंदेरी किला व साड़ियों का शहर भी बोला जाता है इसे इसीलिए प्रसिद्ध है, मांडू खूबसूरत महलों के कारण प्रसिद्ध है, महेश्वर साड़ियों की बनावट के लिए प्रसिद्ध है, ग्वालियर किलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, यहीं देख लेते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम उपाधियाँ। तानसेन संगीत सम्राट, कालिदास भारत का शेक्सपियर, रानी लक्ष्मीबाई मनु, चंद्रशेखर आजाद शहीद, लता मंगेशकर स्वर सामग्री, पंडित द्वारका प्रसाद आधुनिक चाणक्य, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, रानी अवंतीबाई रामगढ़ की झांसी के नाम से, कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष, विजया राजे सिंधिया राजमाता बोला जाता है ने, अहल्याबाई लोकमाता देवी, कुभाभाऊ ठाकरे भाजपा के पितृपुरुष, अशोक कुमार दादा मुनि, राजेंद्र जैन भगवान रजनीश ओशो, दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा बोला जाता है, बाबूलाल गौर को बुलडोजर भी बोला जाता था, सैयद मुश्ताक अली को कैप्टन, सुमित्रा महाजन को ताई, अलाउद्दीन खां को सरोद सम्राट, लक्ष्मण शंकर को गोली उपनाम दिया गया, आचार्य केशवदास कठिन काव्य का प्रेत, संत सिंगाजी मालवा का कबीर, सो लक्ष्मण सिंह गौड़ दादा के नाम से जाने जाते थे। बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के नगरों के प्राचीन नाम, उनके वर्तमान नाम। महू इंदौर इनके नवीन नाम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर, भावरा झाबुआ इसे चंद्रशेखर आज़ाद नगर बोलते हैं, भोपाल भोजताल भोपाल बोला जाता है, काकनाद सांची को, सदियाबाद का नया नाम है मांडू, बिशपपुरी का नया नाम है सुहागपुर, कपित्ते का नया नाम है कायथा, मल्हार का नया नाम है इंदौर, इंदौर का नया नाम है इंदौर, धारानगरी का नया नाम है धार, उज्जैनी का नया नाम है उज्जैन, अवंतिका का नया नाम है उज्जैन, दसपुर का नया नाम है मंदसौर, भेलसा बेसनगर का नया नाम है विदिशा, गोपांचल का नया नाम है ग्वालियर, तिपुरी का नया नाम है तेवर, शिवपुरी का नाम है सिरपुर, दिलीप नगर का नया नाम है दतिया, महेशमती का नया नाम है महेश्वर, नलपुर का नया नाम है नरवर, रेवा या भथा का नया नाम है रीवा, गढ़मंडला का नया नाम है मंडला, खानदेश का नया नाम है बुरहानपुर, मांडवगढ़ का नया नाम है मांडू, पंचालगढ़ का नया नाम है पचमढ़ी, गौड़वाना का नया नाम है मंडला, खजूरबाग का नया नाम है खजुराहो, जिजाग भुक्ति का नया नाम है खजुराहो, इंदौर का नया नाम है इंदौर, एरीकेट का नया नाम है एरड़, वत्स का नया नाम है ग्वालियर बुंदेलखंड क्षेत्र,
अनूप का नाम नया नाम है नेवाड़ खंडवा क्षेत्र, तुड़ीकर का नया नाम है दमोर क्षेत्र, शाहजहाँपुर का नाम है शाहजहाँपुर, निजामत ए मसरी का नया नाम है सीहोर, मोड़वारा का नया नाम है कटनी। तो ये थे मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है।